तिलवारा थाना क्षेत्र के चरगवा रोड सिवनी टोला नाके के पास बने अवैध टोल नाके से गुंडों द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें दो महिलाएं सहित पुरुष घायल हो गए हैं। दरअसल नर्मदा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ शुक्रवार की देर रात सिवनी टोला नाके के पास टैक्स मांगा गया। जब उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को बेल्ट से पीटा गया, जिसके बाद घायल हुए सभी लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत सभी श्रद्धालुओं द्वारा तिलवारा थाने में दर्ज कराई गई है, जहां उन्होंने बताया कि वे गौरीघाट से माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद अपने गाँव वापस लौट रहे थे। तभी टोल नाके के पास कुछ गुंडों ने उनसे अवैध वसूली के लिए टोल टैक्स मांगा, जहां टैक्स ना देने पर उनसे मारपीट की गई। वही मामले को लेकर बरगी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पर आई है, तब से अवैध वसूली का कारनामा शुरू हो गया है। जब पूर्व में वे विधायक थे तो उन्होंने अवैध टोल नाके को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन अब दोबारा यह टोल नाका शुरू कर दिया गया है, जहाँ लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। पूर्व विधायक का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अनैतिक कामों को नैतिक बताकर लोगों को परेशान करती है। वहीं टोल नाके पर तैनात गुंडे शराब के नशे में धुत होकर गुंडागर्दी करते हैं। उन्होंने यही मांग की है कि लोगों की देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन जैसे ही फिर से आया, इन्होंने गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंचा दी है। और ये टोल जो टोल वहाँ लगा है, मैंने बंद करवाया था, उखाड़ के फेंक दिया था। जब तक मैं रहा MLA, मैंने टोल नहीं लगने दिया, लेकिन मेरे जाने के बाद वो सत्ता के संरक्षण में सेटिंग करके वो टोल पुनः चालू हुआ, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से गुंडागर्दी करने के कारण, अवैध वसूली के कारण ये गतिविधियाँ होती हैं, और चूंकि उनका महीने बंधा रहता है भाजपा वालों का, नेताओं का, इसलिए वो सब अनैतिक काम को भी नैतिक बताते हैं। टोल गलत है, वो टोल वहाँ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पाटन में पहले से चल रहा है, पाटन रोड में, और सुनी टोला में जब लगा था तब मैंने उखाड़ के फेंक दिया, तो 6 महीने मैंने लगने नहीं दिया था। देखो, भाजपा आएगी, गौशाला, नर्मदा जी, शिक्षा, तीन मुद्दे हैं, क्योंकि आप विकास की आप बात करोगे, जनता नहीं सुनेगी। अगर जनता से ये पूछो कि तुम्हें नर्मदा जी गंदी करवाना है, जनता बोले हाँ। और अगर नर्मदा जी प्रदूषित हो रही, जीव जली जीव जंतु मारे जा रहे हैं, जगह जगह अवैध पानी से रेत निकासी हो रही है, इसमें सब सत्ता के लोग शामिल हैं और संरक्षण प्राप्त है, और शासन प्रशासन आँख बंद करके बैठा है। मैं अपने गाँव बड़वानी से नर्मदा जी नहाने आया था, नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर, और अपने गांव वालों को लेकर मैं यहां से नर्मदा जी गुआरी घाट से नहाते हुए तिलवारा से चरगुआ के रास्ते से जा रहा था। चरगुआ रास्ते पे जो सिवनी टोला पे जो अवैध टोल नाका बनाया गया है, उसमें वसूली की जा रही है गुंडा टैक्स। मैंने जब वो टैक्स नहीं दिया तो मेरे साथ में बैठी महिलाओं को और मुझे सब मारा पीटा गया, और मेरी चैन छीन कर भाग गए हैं, और मेरे साथ ही और मैं चार लोग घायल हैं। अभी मैं मेडिकल चेकअप के लिए आया हुआ हूँ। वो 7-8 लोग थे। नहीं, वो एक टोल वाला था, उसी ने फोन करके बुलाया है सबको। किस चीज से मारा आप लोगों से? बेल्ट से मारा, घूसों से मारा। जबलपुर से टीम लोक मंगल।